गाइज वेलकम टू माई चैनल, मैं हूँ आपकी जयश्री। आई होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे और बहुत सारी शॉपिंग भी कर रहे होंगे, क्योंकि अभी तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट आ रहे हैं जहाँ पे शॉपिंग ही शॉपिंग करने का टाइम आ रहा है। तो आज मैं आप लोगों के साथ फिर से एक मैन हॉल लेके आई हूँ, विंटर मैन हॉल, जिसमें मैं ढेर सारी मैन कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी रैंडम। और जो मैंने मंगवाया है वो ये है पैकेट, अभी तक मैंने ओपन भी नहीं किया है। मैंने सोचा था आप लोगों के सामने ही इसे ओपन करूँगी और रैंडम जो भी चीज़ें आती जाएगी सबसे पहले वही दिखाती जाऊँगी। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग मैं स्टार्ट कर देती हूँ वीडियो और दिखाती हूँ कि सबसे पहला प्रोडक्ट क्या है हमारा। तो सबसे पहले मैं इसे अनपैक कर ले रही हूँ। इट्स रियली हैवी, बहुत ज़्यादा भारी है ये, मैं नीचे रख देती हूँ इसे। तो सबसे पहला जो मेरा प्रोडक्ट है वो है ये मैन जैकेट है, ये मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। ये काफ़ी येलो येलो सा मैंने मंगवाया है, ये देखिए आप। और मैं सबके आपको ब्रांड बता देती हूँ, ये मैंने किया था हाईलैंडर का। तो ये इसकी जो प्राइस है वो है MRP इस पर मैंसन जो है 2799। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ब्रांड एंड साइज़ बताती जाऊँगी और क्वालिटी भी बताती जाऊँगी, प्राइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आफ्टर डिस्काउंट मुझे कितने में मिला था, सब कुछ कितना अच्छा डिस्काउंट मिला था, सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाके चेक कर लेना। ओके, तो ये जो प्राइस था वो 2799 था और ये जैकेट आप देख सकते हैं हाईलैंडर का है। अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो ये बहुत ही अच्छे मटेरियल का है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये ब्लैंकेट लुक वाला जो जैकेट आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत अच्छा लगता है और वॉर्म भी बहुत ज़्यादा होता है। तो एक तो आपके पास ऐसे जैकेट होने ही चाहिए अगर आप बॉय हैं तो, इनफैक्ट गर्ल्स हैं तो भी। और मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। आपके पास मुझे लगता है कि एक बहुत जो आपको गर्मीला जैकेट चाहिए होता है वो तो आपके पास ऐसे जैकेट में होना ही चाहिए। और इसके कलर थोड़े बहुत ज़्यादा पॉपअप कर रहे थे तो मैंने सोचा ठीक है यही वाला करते हैं येलो। हाँ, सबको नहीं पसंद आते बट अगर आप इसे अच्छे से वेयर करते हो, बहुत अच्छे से लुक क्रिएट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है येलो कलर भी। और इसका कलर एक्चुअली बहुत अच्छा मस्टर्ड येलो है। ये क्वालिटी वाइज भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा है। और ये सबसे बहुत अच्छी बात है कि मुझे डिस्काउंट में बहुत अच्छे प्राइस में मिला था। तो ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट था। सेकेंड प्रोडक्ट है मेरा ये शर्ट जो कि बहुत ही अच्छे चेक में है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ लुक पूरा, ये देखिए इस तरह का है ये शर्ट, बिल्कुल प्योर कॉटन में है, बहुत अच्छा है ये। इसकी जो कंपनी है ये भी ब्रांड मेरा हाईलैंडर का है और इसकी जो प्राइस थी 1549, लेकिन ये ऑफकोर्स मुझे बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिला है। और इसकी क्वालिटी की अगर बात करें तो ये 100% कॉटन है और इसकी मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और इसकी जो क्वालिटी आई है वो भी बहुत अच्छे क्वालिटी की आई है, चीप क्वालिटी नहीं है इसकी। और मटेरियल भी बहुत थिक है, आप बहुत पतला सा कॉटन एक होता है क्वालिटी में, वो क्वालिटी आपको टच करके पता चल जाती है। तो इसकी जो हाईलैंडर की शर्ट है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की आया और चेक भी जो आपने एक्सपेक्ट किया होगा देख के बिल्कुल वैसा ही आया है। तो आपको कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगी कि दिख कुछ और रहा था और आपको मटेरियल या फिर कुछ बिल्कुल गंदा सा मिला, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और सेटिस्फाइड हो गए आप अगर हाईलैंडर की शर्ट चूज कर रहे हो, लेने का सोच रहे हो तो अच्छा है, आप ले सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। आपको क्लोजअप से भी मैं दिखा देती हूँ थोड़ा, ये देखिए बहुत अच्छे मटेरियल से बना हुआ है ये। और इसके चेक भी बहुत जैसे मैंने एक्सपेक्ट किए थे देख के वैसे ही आए हैं, नो डाउट कि कुछ भी चेंजेस है। तो इसको भी मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप ले सकते हैं। तो ये था मेरा सेकेंड प्रोडक्ट। बेसिकली मैं आप लोगों को बहुत फास्ट बता रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा फिर बोर हो जाओगे, इसलिए मैं बस क्वालिटी और आपको ब्रांड की बात कर रही हूँ। अदरवाइज़ बाकी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली दूंगी, तो वहाँ से प्लीज़ चेक कर लेना। और अगर कुछ आपको क्वेश्चन होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, तो उसके पर्सनली मैं आपको जवाब दे दूँगी। वीडियो को बिना लंबा किए हम शॉर्ट में सारे प्रोडक्ट को कवर करके मैं उसकी सारी रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ये है मेरा थर्ड प्रोडक्ट। ये मैंने हाफ स्लीव्स के शर्ट मंगवाए हैं जो कि बहुत ही फंकी लुक में आपने
देखा ये, और लड़कों को आजकल बहुत पसंद आते हैं ये हाफ स्लीव्स वाले शर्ट, और ये भी फ्लोरल वाले, फ्लोरल नहीं, ये आई थिंक लीफ प्रिंट के हैं जो कि बहुत प्यारा कलर है। मतलब रियली अगर आप जो देख रहे थे, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कलर अगर, तो ये एक्चुअली वैसा आया। इनफैक्ट कलर जो देखा था हमने ऑन स्क्रीन उससे तो काफ़ी बेस्ट मुझे लग रहा है, ये बहुत अच्छे कलर में आया है। और इसकी भी क्वालिटी की बात करूँ तो ये प्योर कॉटन है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, आपको कंफर्टेबल फील कराएगा आप। और इसकी जो ब्रांड है वो भी है हाईलैंडर, मैंने इस बार कुछ ज़्यादा ही हाईलैंडर के ख़रीदे हैं। इसकी प्राइस थी 1049, लेकिन ये अफकोर्स मुझे बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिला है। और अगर आप भी इस तरह के शर्ट पहनना पसंद करते हो, लाइक फ्लोरल प्रिंट वाले और प्रिंटेड, मतलब प्रिंटेड शर्ट आपको पसंद है, तो डेफिनेटली आप हाईलैंडर के भी शर्ट ट्राई कर सकते हो, अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं, तो नो डाउट कि इसे भी आप खरीद सकते हो, बहुत अच्छे क्वालिटी का है। क्लोजअप से मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से दिख रहा है। नाइस ना, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रिंट है। और इसकी कॉम्बिनेशन जो वाइट और ग्रीन के साथ है ना, ऑलिव ग्रीन है आई थिंक, ये पता नहीं कौन सा ग्रीन बोलेंगे इसे, आई डोंट नो, लेकिन ये बहुत अच्छे क्वालिटी का है। और फोर्थ प्रोडक्ट है मेरा ये, अगेन शर्ट ही मंगवाया है मैंने, मैं इससे पहले ओपन कर लेती हूँ। तो ये मैंने मंगाया है अगेन हाईलैंडर का। एक्चुअली हाईलैंडर पे बहुत अच्छे डिस्काउंट मिल रहे थे, तो मैंने इसलिए सारे शर्ट उसी से किए हैं। और इसकी प्राइस भी मैं पहले आपको बता देती हूँ, 1049 का है ये भी। और इसकी आप तो पहले क्लोजअप से देख लो कि इससे, लुक एट दिस चेक, मतलब इतना ब्राइट है ना कि मतलब फीका सा नहीं आया है। ऐसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि पता नहीं दिख बहुत ज़्यादा ही ब्राइट ब्राइट सा रहा है, और आने के बाद बिल्कुल एकदम हल्का सा ना हो, लेकिन नहीं, बिल्कुल सेम आया है। क्वालिटी वाइज भी ये भी प्योर कॉटन है। इसकी मटेरियल मुझे ज़्यादा थिक लग रही है थोड़ी सी, मतलब उन दोनों शर्ट से, तो ये भी लेकिन बहुत अच्छा है। दोनों ही शर्ट बहुत अच्छे थे और ये भी बहुत अच्छा। इसकी कपड़े की क्वालिटी थोड़ी उन दोनों कपड़े की क्वालिटी से डिफरेंट है, सबके अलग अलग है, बट कॉटन ही है सारे, आई एम श्योर कॉटन ही हैं। और ये भी मैंने हाफ स्लीव्स के मंगाए थे, और इसके बारे में भी बस मैं सिंपल सी बात कहना चाहूँगी कि जो आपने एक्सपेक्ट किया होगा वैसे ही है, आपको मटेरियल बहुत ज़्यादा चीफ नहीं आए हैं, आपको पहनने के लायक है। मतलब आप एक्सपेक्ट करते हो जो चीज़ कि आपको ऑनलाइन में दिख रहे हैं, और आप उसको जब लोगे तो आपको कैसा फील होगा, तो 100% आप यूज कर सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। नो डाउट कि आप इसे नहीं कैरी कर सकते हो, तो ये बहुत चीप क्वालिटी का कोई भी शर्ट नहीं है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वही आएगी। तो हाईलैंडर की इस शर्ट को भी मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कि आप ले सकते हो। फिफ्थ प्रोडक्ट है मेरा ये, एक्चुअली ये मैंने एक लोअर मंगाया है, तो वो भी आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डाउन सी दिख रही हूँ, आई नो, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत दिनों से ख़राब ही चली जा रही है, पता नहीं क्यों मैं ठीक ही नहीं हो पा रही हूँ, तो इसलिए मैं बहुत लो फील कर रही थी। बट फिर भी मैंने सोचा नहीं, आप लोगों के लिए तो मेहनत करनी ही है, आप लोगों के लिए मैं करूँगी ही, तो इसलिए मैंने अपने अंदर वो जोश लाया और फिर से स्टार्ट हो गई कि नहीं अब वीडियो बनाना है। फिर भी वो एनर्जी मुझे लग रहा है, मेरे हिसाब से नहीं है, बट कोई नहीं, आप लोगों को पसंद आने के लिए ही इतनी मेहनत करती हूँ अब, मतलब हर दिन उस स्पिरिट से आती हूँ कि नहीं आज भी वीडियो बनानी है, एडिटिंग करनी है, इतनी सारी मेहनत करती हूँ, तो थोड़ा आप लोग भी प्यार दे दो, लाइक किया करो मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़, इतना तो कर ही सकती हूँ मैं एक्सपेक्ट आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ ध्यान रखना। तो चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है। तो ये मैंने मंगवाया है अगेन हाईलैंडर के, मैंने ऑलमोस्ट सारे हाईलैंडर के मंगाए हैं, तो आपको मैं लोअर की क्वालिटी पहले दिखा देती हूँ। ये अंदर से इस तरह का है, ओके, और बाहर से ये इस तरह से है। तो अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो ये बहुत थिक है, मोटा सा है बिल्कुल, आपको अगर विंटर के हिसाब से आप सोच रहे हो तो विंटर में भी ये आपको बहुत वार्म रखेगा, क्योंकि ये थिक है, काफ़ी थिक है। ऐसा नहीं है कि ऊलन है ये, लेकिन आपको गर्मीला फील करवाएगा, क्योंकि ये देख के बहुत ही हैवी सा लग रहा है, और इसके वेट भी काफ़ी है, मतलब अच्छा खासा वेट है इसका। तो मुझे लगता है कि आप हाईलैंडर के भी लोअर ट्राई कर सकते हो एक बार, अगर अभी तक नहीं किया तो, और सोच रहे हो कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं एक सजेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप, मैंने मंगवाया है जो चीज़, तो मुझे सामने से मैं आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप जज कर सकते हो कि इसकी क्वालिटी कैसी होती है। तो हाईलैंडर की भी अगर आप लोअर ट्राई करना चाहते हो तो डेफ़िनेटली ले सकते हो, मैं इसको आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि आप सामने से देखोगे तो आपको
रियलाइज़ हो जाएगा कि क्वालिटी इसकी कैसी है। मुझे तो अच्छी लग रही है, तो आप डेफिनेटली लोअर में भी ट्राई कर सकते हो हाईलैंडर के। मैन कलेक्शन में मैंने एक्चुअली सारे हाईलैंडर के ही चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है, ताकि एक ब्रांड की क्लियरिटी आप लोगों को मिल जाए कि अगर आप नेक्स्ट टाइम कभी हाईलैंडर की कोई चीज़ ट्राई कर रहे हो तो आपके दिमाग में हो कि हाँ उसके लोअर भी अच्छे होते हैं, उसके शर्ट भी अच्छे होते हैं, जैकेट भी अच्छे होते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें मतलब कवर करने की कोशिश की है कि, तो इसलिए मैंने हर डिफरेंट प्रोडक्ट ही मंगवाए हैं। तो ये था मेरा फिफ्थ प्रोडक्ट। सिक्स प्रोडक्ट मैंने अगेन एक लोअर और मंगाया है जो कि ब्लू कलर का है, और ये भी मैंने हाईलैंडर का ही मंगाया है। मैंने बताया है कि मैंने हाईलैंडर के ही सारे मंगाए हैं। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी थिक है, मतलब आप इसे, मैं बार बार ये थिक वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा ऐसे कपड़ों को जल्द नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आपको टच करके इतना पता चल जाता है कि कौन सी क्वालिटी चीप है, कौन सी मतलब पहनने लायक नहीं है, वो चीज़ें पता चल जाती हैं। तो वो मैं आप लोगों के साथ अपनी एक्सपीरियंस अपने तरीके से बस शेयर करना चाह रही हूँ कि ये क्वालिटी इतनी मतलब अच्छी है कि आप इसे यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको रिटर्न करने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसी क्वालिटी कभी कभी आ जाती है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि ऑनलाइन आप कोई चीज़ मंगाओ और आप इतनी गंदी आ जाती है कि मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो कि ऐसा आएगा। तो वैसे क्वालिटी में नहीं है ये बिल्कुल उस रेंज में नहीं आता है, और जिस प्राइस में आपको ये मिल रहा है डिस्काउंट में, तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, बहुत अच्छे प्राइस में मिल रहा है। तो ये भी इस तरह का है लुक, देख सकते हो आप, ये थोड़ा इस तरह से स्ट्रिप्स लगे हुए हैं साइड में। ये लड़कों के लिए घर के यूज के लिए बहुत अच्छा है, सिंपल सा एंड कंफर्टेबल, तो डेफिनेटली आप लोग ट्राई कर सकते हो। सेवन्थ प्रोडक्ट में मैंने ये पैंट मंगवाए हैं जो कि मैन पैंट हैं, कॉटन वाले जो होते हैं, स्ट्रेट फिटिंग वाले, और ये इस तरह से साइड फिटिंग क्रॉस पॉकेट है, सॉरी। और कलर इसका बहुत प्यारा है, ऑलिव ग्रीन है आई थिंक, या पता नहीं क्या है, मैं देख के बताती हूँ आपको। हाँ, ये कैपुलेट ऑलिव है, बहुत ही फॉरनर टाइप नेम है इसका कलर का, तो ये कूल नेम से ही हो जाता है। और इसकी ये जो ट्राउज़र है ये बहुत ही कंफर्टेबल आपको फील करवाएगा, बहुत कॉटन मटेरियल है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है आई थिंक, हाँ लाइट वेटेड तो है ये, और आपको पहनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। आप पीछे भी इसको देख ले, पॉकेट आपको फोर्थ पॉकेट मिलते हैं, एक दो बैक में एंड दो साइड में, जो कि कूल है। ट्राउज़र में मैं आपको इससे ज़्यादा क्या डिटेल दूँ, बस ये कह सकती हूँ कि हाईलैंडर के ट्राउज़र अगर ट्राई करना चाहते हो, लेना चाहते हो, डेफिनेटली ले सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, नो डाउट कि आप इसे रख सकते हो। एट प्रोडक्ट है मेरा ये अगेन फ्लोरल सा प्रिंटेड शर्ट, बहुत कूल है ये, काफ़ी कूल लग रहा है। और ब्लैक कलर तो मेरा तो मतलब ऐसे है कि मैं कुछ भी ब्लैक कलर में देखती हूँ ना तो मुझे अच्छा ही लग जाता है। तो ये भी मैंने हाईलैंडर का ही मंगाया है, और इसकी प्राइस है 1199 सॉरी। और ये भी हाफ स्लीव्स के मैंने मंगाए हैं, और ये काफ़ी कूल सा प्रिंटेड शर्ट है, मतलब लाइक बहुत से लड़कों पे बहुत अच्छा लगता है, मुझे कूल लगता है, अगर आपकी थोड़ी बॉडी सॉडी है तो बहुत ही कूल लगता है। तो डेफिनेटली अगर आप हाफ शर्ट के मतलब हाफ स्लीव्स वाले शर्ट पहनना पसंद करते हो तो आप हाईलैंडर के भी शर्ट के कलेक्शन ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छे प्राइस में, रीजनेबल प्राइस में आपको काफ़ी कूल कलेक्शन मिल रहा है। मतलब प्रिंटेड भी देखो, इनके प्रिंट्स भी बहुत नेचुरल से, बहुत ज़्यादा ब्राइट से है, क्योंकि इन शर्ट्स में ना आई थिंक ब्राइट कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये ब्लैक पे जो ब्राउन और पीच कलर का कुछ तो वर्क है ना, मतलब ये तो कमाल ही लग रहा है, बिल्कुल मतलब ऑसम, जैसा सोचा था मैंने वैसा ही आया है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे कलेक्शन आ रहे हैं हाईलैंडर के भी, हाफ स्लीव्स के एंड फुल स्लीव्स के भी, शर्ट भी बहुत अच्छे कलेक्शन है हाईलैंडर के, तो आप ट्राई कर सकते हो, मैं इसे भी आपको सजेस्ट करूँगी, तो इसे भी मैं सजेस्ट करूँगी आप लोगों के लिए, ओके है मेरे तरफ से, आप लोग ले सकते हो इसे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट ये है मेरा लास्ट 10th प्रोडक्ट, आई थिंक 10th या 11th, मैं तो भूल भी गई, काउंट इतने ज़्यादा मंगा लिए। ये है मेरा हाईलैंडर का, अगर मुझे लगता है ब्रांड बताने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सारे हाईलैंडर के ही थे, मुझे खुद रिमेम्बर नहीं था। तो ये 1049 का अगेन है मैन शर्ट है, जो कि पहले वाले मैंने जो दिखाए थे उससे ही थोड़े मिलते जुलते कलर है, बट इसकी डिज़ाइन थोड़ी अलग है, उसमें लीफ के प्रिंट थे, और इसमें आई थिंक कुछ तो पता नहीं क्या ही है, मैं इस प्रिंट को क्या नाम दूँ नहीं पता, आप लोग बताना कौन से प्रिंट कहते हैं इसे, लेकिन जो भी प्रिंट है बहुत अच्छा है। और अगर आपको लाइट कलर पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट भी कलर नहीं पसंद करते हो, तो ये सब भी आप ट्राई कर सकते हो, और डेफिनेटली इसके बारे में मैं क्या बताऊँ,
सामने हैं आपके, आप क्वालिटी क्लोजअप से देख सकते हो एंड देन आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको हाईलैंडर के शर्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट मेरी तरफ से ओके है क्योंकि क्वालिटी सबकी बहुत अच्छी है। सबसे मेन क्या होता है कि पसंद तो आ जाते हैं बट कभी कभी आप क्वालिटी के लिए सिर्फ चीज़ों को नहीं लेते हो क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो डेफिनेटली मैं हाईलैंडर की जो भी प्रोडक्ट अभी तक देखी मैंने मंगवाए, मुझे सारे की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। हाँ, अब इतने सारे अगर मैं नहीं रखना चाहूँगी तो डेफिनेटली किसी ना किसी को मतलब हाई या मीडियम में रख के मैं डिस्कार्ड करूँगी, लेकिन अगर मुझे सारे रखने हैं तो डेफिनेटली मैं क्वालिटी के लिए किसी को भी डिस्कार्ड नहीं करूँगी क्योंकि सबकी क्वालिटी बहुत अच्छे थे, ट्रस्ट मी, मैं मतलब ऑनेस्टली बता रही हूँ आप लोगों के साथ। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और फाइनली मेरा सारा कलेक्शन ख़त्म हो गया। आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को कौन सा सबसे अच्छा लगा और हाईलैंडर के कलेक्शन कैसे हैं एक्चुअली, क्योंकि ये मेरा ब्रांड तो है नहीं, तो आप लोग भी बताना कि आप लोग भी देखते ही हो ऑनलाइन पे, तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताना कि आप लोगों को हाईलैंडर के कलेक्शन कैसे लगते हैं, कैसे लगे जो भी मैंने मंगवाया है, क्वालिटी कैसी लगी। और मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और फिर मैं मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।